वेलकम बच्चों। सो जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स, और इस वेक्टर्स में आज हम कुछ थोड़े से बेसिक पॉइंट देखने वाले ताकि हमारी आने वाली एक्सरसाइज को हम अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टाइम में आपने 9th क्लास 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला देखा है, उसमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये सब देखा है। तो वही हमको यहाँ पर देखना है लेकिन वेक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये लेते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग है हमारे पास में सेक्शन फार्मूला। ठीक है, मेन हेडिंग कौन सी है हमारे पास? सेक्शन फार्मूले। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के सेक्शन फार्मूले हैं, एक तो हमारा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें पहला ले लेते फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या बोलेंगे हम? फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन किस तरह से होगा वो, तो मान लीजिए कि हमारे पास में पॉइंट ए है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी है, समझो इन दोनों को अगर ज्वाइन करता हूँ तो सेगमेंट कौन सा मिल जाएगा हमको? ए बी मिलेगा। अब इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड करने वाला मैं एक आधा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, समझो वो पॉइंट आर है हमारा। ठीक है, तो इस आर के कारण ए बी के दो टुकड़े बन गए, एक ए आर और एक आर बी। ठीक है, तो ए आर समझो, ए आर और आर बी इनका जो रेशो अगर लेते हैं हम इनके टुकड़ों का, तो वो रेशो समझो यम और यन है। ठीक है, यम इज टू यन, यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि हमारा पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो यम इज टू यन। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली। ठीक है, कैसा वो अंदर है यानी इंटरनली। ठीक है, इन द रेशो कौन सा रेशो है वो? एम इज टू यन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब मान लीजिए कि कोई एक आधा हम फिक्स पॉइंट ले लेते, समझो ओ पॉइंट है, तो यहाँ से ये है, तो ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर ए यानी पोजिशन वेक्टर, यहाँ से ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर बी, और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये वेक्टर हमारा स्मॉल आर, समझो इनके ये पोजिशन वेक्टर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या देगा हमको? तो ध्यान में रखना, जो सेक्शन फार्मूला है ना, तो वो हमारा जो पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा उसका पोजिशन वेक्टर देगा। ठीक है, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू, यानी हेडिंग कौन सी रहेंगे? सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या होगा? कौन डिवाइड कर रहा? पॉइंट आर ए बी को, तो पॉइंट आर का पोजिशन वेक्टर आर होगा। ठीक है, अब इससे हम उल्टा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी यम से वेक्टर बी को, यन से वेक्टर ए को, यानी क्या हो जाएगा? यम इंटू वेक्टर बी प्लस यन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ऐसा ही कुछ हमने 9th क्लास 10th क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, यानी सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर हम? यम से इस वेक्टर बी को, यन से इस वेक्टर ए को ले लेना मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और यम प्लस यन से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब सिंपली इसके जैसे ही हमको सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन मिलेगा, जहाँ पर आपको प्लस के जगह पे माइनस ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार देखो क्या है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। पॉइंट आर से सेगमेंट ए बी को इंटरनली यम इज टू यन इस रेशो में क्या करता है वो? डिवाइड करता है। इसलिए सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? आर वेक्टर आर यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू यम बी प्लस यन ए अपॉन यम प्लस यन। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है फिर से हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, ठीक है, और इसको अगर जोड़ दो तो सेगमेंट मिल जाएगा ए बी, और कोई पॉइंट आर है समझो हमारे पास, जो इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे, तो जैसे यहाँ पे ए आर यम था, यम पूर पार्ट्स और आर बी यन था, उसी प्रकार यहाँ से ए आर समझो हमारे पास कितने पोर्शन है? यम पार्ट्स है। ठीक है, और यहाँ से ये हमारे पास में मिल जाएगा यन पार्ट्स। ठीक है, फिर से आप अगर मान लीजिए एक आधा कोई फिक्स पॉइंट है ओ, तो यहाँ पर ये वेक्टर ए पोजिशन वेक्टर होगा ए का, बी का पोजिशन वेक्टर मिलेगा हमको स्मॉल बी समझो, और आर का पोजिशन वेक्टर समझो क्या है? स्मॉल आर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पॉइंट आर का पोजिशन वेक्टर निकालते हैं हम। ठीक है, यानी हेडिंग क्या रहेंगी हमारे पास में? फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, आप यहाँ पर हेडिंग डाल देना जरा सी, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, यानी हमारी मेन हेडिंग जब आप सॉल्व करते हो तो हेडिंग मेन हेडिंग कैसे देंगे? ठीक है, ऐसा कंप्लीट बोलेंगे, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। फार्मूला ऊपर के जैसा ही होने वाला है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक्चुअली यम चाहिए,
तो यम इंटू क्या बोलेंगे, बी, यानी यम बी, ठीक है, माइनस यन इंटू ए बोलेंगे, तो यन वेक्टर ए अपॉन नीचे में एम माइनस यन, आप इस तरह से इसको क्या करना, ले लेना, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मिलेगा हमको ये सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। चलो थर्ड देखते हैं, आगे बढ़ते यहाँ पर हम। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसके क्या निकालते हो, मीडियंस निकालते हो, आपको मालूम है, ठीक है। तो मीडियन जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रोइड फार्मूला से हम सेंट्रोइड के यानी जी का पोजिशन वेक्टर निकालते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर है समझो स्मॉल ए, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर स्मॉल बी, ठीक है, और पॉइंट सी का पोजिशन वेक्टर समझो सी है, और हमारे पास जो जी है उस जी का पोजिशन वेक्टर समझो स्मॉल जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग कौन सी रहेंगी हमारी, सेंट्रोइड फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रोइड है, ठीक है, तो बाय सेंट्रोइड फार्मूला हम क्या करेंगे, जी का पोजिशन वेक्टर निकालेंगे, मतलब वेक्टर जी इज इक्वल टू सिंपली इन तीनों की एडिशन कर दो, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन थ्री से डिवाइड कर दो, दिस इज़ योर सेंट्रोइड फार्मूला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इसका सेंट्रोइड फार्मूला, ठीक है, एकदम सिंपली ध्यान में रखना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन थ्री मिल जाएगा आपको सेंट्रोइड का पोजिशन वेक्टर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, और यहाँ पर ये आर उसका क्या है, मिड पॉइंट है, इसके दो टुकड़े होंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये फिक्स पॉइंट है समझो, तो ये वेक्टर ए होगा, यहाँ से ये वेक्टर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बात करते हैं तो ये हमारे पास में वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या लिया हमने, मिड पॉइंट, इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग देंगे मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि आर इज़ द मिड पॉइंट, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ठीक है। अगर आर उसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू सिंपली क्या करना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन टू, ये कर देना, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पोजिशन वेक्टर मिलेगा उस पॉइंट का जो इस ए बी को क्या करता है, यानी डिवाइड करता है इक्वली, ठीक है, यानी बाइसेक करना बोलेंगे उसको, यानी आर हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूले से वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन टू मिलेगा, ठीक है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक आधा कोई टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड अगर निकालना है, ठीक है, यानी सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेंट्रोइड उसका यानी जी है उसका पोजिशन वेक्टर निकालना, अब टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि एक आधा ये इस तरह से फिगर होते हैं, ये ट्राइंगुलर टाइप उसका एक पोर्शन, एक्चुअली चार वर्टाइसेस रहते हैं उसको, ठीक है, ये मान लीजिए कि डी है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए बी सी डी क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, और इसका सेंट्रोइड ले लेते समझो जी, यानी क्या बोलेंगे, जी इज द सेंट्रोइड, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, नाम उसका समझो ए बी सी डी, ठीक है। सो उसका सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान में रखना, वेक्टर जी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी अपॉन यहाँ पे फोर। जैसे ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन थ्री, टेट्राहेड्रॉन का है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी अपॉन यहाँ पे फोर कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर हमको टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर सेंट्रोइड का